इस वक्त ईरान और इसराइल पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि अगर इन दोनों देशों के बीच भयानक जंग हुई तो आगे क्या होगा। ईरान और इसराइल की दुश्मनी यूं तो बहुत पुरानी है, लेकिन ईरान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और इसराइल और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए ईरान प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है और मिडिल ईस्ट में नफरत की आग लगा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान का प्रॉक्सी वॉर आखिर है क्या, और क्या प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए ही ईरान इसराइल और अमेरिका को कमजोर करना चाहता है। तो इसके लिए प्रॉक्सी ग्रुप को आपको पहले समझना होगा जिसके जरिए ईरान प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। क्या है ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप वो आपको बताते हैं। प्रॉक्सी ग्रुप को प्रतिरोध की धुरी यानी एक्सिस ऑफ रेजिडेंस के रूप में जाना जाता है। ईरान कई साल से प्रॉक्सी का एक नेटवर्क बना रहा है जो प्रमुख मिलिशिया ग्रुप बन चुका है। इसमें से कुछ मिलिशिया राजनीतिक दलों के रूप में भी तब्दील हो चुके हैं जो अपने संबंधित देशों की सरकारों को चुनौती भी देते हैं। यानी ईरान ने अलग अलग जगह ऐसे ग्रुप तैयार किए हैं जिसे वो मदद करता है और दुश्मन देशों के खिलाफ खड़ा करता है। दरअसल 1989 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान की राजनीतिक और सामाजिक संरचना में तेजी से बदलाव आया। देश ने प्रॉक्सी नेटवर्क के साथ मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक बड़ी कोशिश की जिसमें वो धीरे धीरे कामयाब हो रहा है। यानी ईरान तेजी से कामयाब हो रहा है। अब आपको एक एक करके प्रॉक्सी ग्रुप के संगठनों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लेबनान की, क्योंकि लेबनान का हिजबुल्ला 1980 के दशक की शुरुआत में मिडिल ईस्ट में ईरान का पहला प्रॉक्सी ग्रुप बनकर उभरा। इस ग्रुप को रिवॉल्यूशनरी गार्ड से सैन्य सुविधाएं और फंडिंग मिलती हैं। हिजबुल्लाह तेहरान के शिया इस्लामवादी आदर्शों को मानता है। ये ज्यादातर लेबनानी शिया मुसलमानों की ही भर्ती करता है। हिजबुल्लाह का गठन 1982 में लेबनान पर आक्रमण करने वाली इजरायली सेना से लड़ने के लिए किया गया था। इसने नियमित रूप से लेबनान में अमेरिकी कर्मियों और उसकी एम्बेसी के खिलाफ आत्मघाती हमले किए। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक 2020 तक कम से कम 130,000 रॉकेट और मिसाइलों के साथ हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे भारी हथियारों से लैस गैर राज्य संगठन बन गया है। इसी तरीके से गाजा का हमास। दरअसल फिलिस्तीनी क्षेत्रों में ईरान दशकों से इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। माना जाता है कि इजराइल पर हमले करने वाले हमास को तेहरान ने फंडिंग की थी, यानी ईरान से सीधी फंडिंग हुई। हमास ने 1990 के दशक में ईरान में अपना एक ऑफिस भी खोला था। हालांकि 2012 में सीरिया में अल असद शासन का समर्थन करने से इनकार करने के बाद ईरान और हमास के बीच संबंधों में खटास जरूर आई थी। इसके कारण इराक ने हमास को दी जाने वाली फंडिंग में अस्थायी रूप से कटौती कर दी थी। हालांकि 2017 में एक बार फिर ईरान ने हमास के लिए फिर से पहले जैसी फंडिंग शुरू कर दी। ठीक इसी तरीके से फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, यानी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने ईरानी क्रांति से प्रेरणा ली और अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक ये ईरान ही है, यानी ईरान का ही संगठन है जो इस्लामिक जिहाद की फंडिंग करता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 2020 में कहा था कि ईरान फिलिस्तीनी समूहों को सालाना $100 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग करता है जो इसराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। ठीक ऐसे ही यमन का हूती विद्रोही, यानी इसराइल से लगभग 2500 किलोमीटर दूर सना में बैठे यमन के हूती विद्रोही इसराइल हमास जंग में एंट्री करने वाली लेटेस्ट बाहरी ताकत है। यमन के विद्रोही समूह कई बार इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दाग चुके हैं। फारस की खाड़ी के दो राज्य सऊदी अरब और बहरीन लंबे समय से ईरान पर उनकी शिया आबादी के बीच विद्रोह भड़काकर क्षेत्र में कलह पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाते रहे हैं और ईरान यमन में ऐसा करने में कामयाब भी रहा है। ईरान ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, आर्म्स फोर्स और हूती शिया आंदोलन के जरिए यमन के गृह युद्ध में हिंसा की आग लगाई। ये अपने आप में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ एक लंबा प्रॉक्सी वॉर है। इसी तरीके से सीरिया की असद फैमिली। सीरिया की असद फैमिली एक शिया समूह है। ये सत्ता में बने रहने के लिए लंबे समय से ईरान के साथ अपने गठबंधन पर निर्भर रही है। यानी गठबंधन ईरान के साथ रहा है, ईरान उसकी मदद करता रहा है। 2011 से विशेष रूप से ईरान उसकी मदद कर रहा है जब राष्ट्रपति बशर अल असद को सरकार विरोधी विद्रोह और सुन्नी चरमपंथियों के साथ गृह युद्ध का सामना करना पड़ा था।
2011 में सीरिया में अराजकता फैलने के बाद ईरान पर इसराइल ने अल असद की सेना को लगभग 80,000 लड़ाकू कर्मी उपलब्ध कराने का आरोप लगाया था। वहीं 2014 में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जैनबियान ब्रिगेड बनाई। ये एक पाकिस्तानी शिया मिलिशिया ग्रुप था जो ईरान के साथ साथ पाकिस्तान के आदिवासी इलाकों में रहने वाले पाकिस्तानियों को लेकर बनी थी। इसने विद्रोही मिलिशिया के खिलाफ अल असद की सेना के साथ लड़ाई लड़ी थी। और इसी तरीके से कहा जाता है कि ईरान इसी तरीके से लड़ाकों को तैयार करता है और अपने दुश्मन देशों के खिलाफ लड़ता है। ठीक ऐसे ही इराक का मिलिशिया ग्रुप 2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण के बाद ईरान ने अपने दुश्मन पर अपना प्रभाव बढ़ाया और मिलिशिया की स्थापना की। इस मिलिशिया ग्रुप ने महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत हासिल की और आर्थिक फायदा भी उठाया। इसके बाद साल 2007 में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कातिब हिजबुल्लाह नाम से एक शिया मिलिशिया बनाया। अमेरिका ने 2009 में कताइब हिजबुल्लाह को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। इराक में अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के खिलाफ हिंसा के लिए इसके महासचिव अबू मेहदी अल मुहंदिस पर तमाम तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे। 2014 में कातिब हिजबुल्लाह इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से लड़ने के लिए इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस में शामिल हो गया। हालांकि इसके बाद भी इसने ईरान के नेतृत्व के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे। 2007 से 2011 तक और 2018 से 2020 तक ईरान के समर्थन से कातिब हिजबुल्लाह ने इराक में अमेरिकी सेना और उसके सहयोगियों पर सिलसिलेवार हमले किए जो कि कहा जाता है कि ईरान ने ही करवाए थे। इसी तरीके से सऊदी अरब का आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह अल हिजाज 1987 में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने सऊदी अरब में शिया आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह अल हिजाज की स्थापना की। ये मिडिल ईस्ट में ईरान के प्राथमिक राजनीतिक समर्थकों में से एक था। अमेरिका ने 1996 के खोबर टावर पर हुए घातक बम विस्फोट के लिए इसके चार नेताओं पर बैन लगा दिया था। इस हमले में 19 अमेरिकी वायुसेना कर्मी मारे गए थे और 350 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। ये हमला भी ईरान के कहने पर करवाया गया था। इसी तरीके से बहरीन का अल अश्तर ब्रिगेड ग्रुप ठीक ऐसे ही बहरीन का अल अश्तर ब्रिगेड ग्रुप को भी ईरान से फंडिंग मिलती है। 2014 में हुए भीषण हमले में अल अश्तर ब्रिगेड का हाथ था। इसमें 2 पुलिस अधिकारी मारे गए थे। फिलहाल ईरान और इसराइल की तनातनी के बीच ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप की चर्चा हो रही है। ये तय है कि इन सभी ग्रुप को ईरान से फंडिंग, हथियार, ट्रेनिंग और दूसरी तरह की मदद मिलती है। कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में इसके सबूत भी सामने रखे गए हैं। अमेरिका ने 1984 के बाद से 6 अलग अलग प्रॉक्सी नेटवर्क पर कई तरीके से बैन लगाए हैं। ऐसा प्रॉक्सी नेटवर्क के क्षेत्रीय प्रभाव को कम करने के मकसद से किया गया था। हालांकि ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप पर लगाए गए बैन कभी भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए। 2020 में अमेरिकी विदेश विभाग ने अनुमान लगाया कि ईरान लेबनान स्थित हिजबुल्लाह संगठन को हर साल $700 मिलियन की फंडिंग कर रहा है। इससे पहले ईरान ने ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीनी संगठन हमास और इस्लामिक जिहाद समेत फिलिस्तीनी ग्रुप को सालाना $100 मिलियन की फंडिंग की। यानी इसराइल और अमेरिका के खिलाफ धीरे धीरे ईरान जमीन तैयार कर रहा है। यानी एक ऐसा ग्रुप बना रहा है जिसके जरिए वो अपने दुश्मन देशों को तबाह कर सके। लेकिन ईरान अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा और उसको शेष भारत आपको जरूर बताएगा। फिलहाल ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।